हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी ऑटोमोटिव। आई एम गौर अडवानी और आज हम आए हैं टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के प्योर वेरिएंट के लिए। प्योर टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट का सेकंड बेस वेरिएंट या फिर सेकंड मोस्ट अफोर्डेबल वेरिएंट है। प्योर वेरिएंट ओवरऑल दो कॉन्फ़िगरेशंस में अवेलेबल है, दैट इज़ प्योर एंड प्योर एस। प्योर एस में आपको दो तीन एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। दिस इज़ द प्योर, दैट इज़ बेसिकली द लोएस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो आप बाय कर सकते हैं प्योर वेरिएंट के साथ। आज हम देखने वाले हैं द प्योर ग्रे कलर ऑप्शन जो कि आपको मिल जाता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ। अगर प्योर वेरिएंट की बात करें तो आपको दोनों पेट्रोल एंड डीजल इंजन मिल जाते हैं ऑन ऑफर, 1.2 लीटर का पेट्रोल एंड 1.5 लीटर का डीजल। लेकिन प्योर वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिलता है, इट इज ओनली मैनुअल ट्रांसमिशन। आज हम देखने वाले हैं द डीजल मैनुअल अलोंग विद द प्योर ब्रेक, प्योर ग्रे कलर ऑप्शन। चलते हैं वीडियो में, बात करते हैं क्या फीचर्स ऑन ऑफर है एंड व्हाट आर द एक्सक्लूसिव फीचर्स जो आपको मिलते हैं ओवर द बेस वेरिएंट, दैट इज स्मार्ट वेरिएंट। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हेडलैम्प सेटअप की, तो यहाँ पे आपको मिलता है प्रोजेक्टर बेस्ड एलईडी हेडलैम्प सेटअप। यहाँ पे आपको फॉलो मी होम हेडलैम्प फंक्शन भी मिल जाता है एंड बाय फंक्शन हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं। एलईडी डीआरएल यहाँ पे कंटिन्यू हो जाती है एंड टर्न इंडिकेटर भी आपका यही डेवलप हो जाती है अगर आप टर्न इंडिकेटर यूज़ करते हैं। ब्लैक फिनिश में आपको सेम कनेक्टिंग सेटअप मिल जाता है जो कि दोनों डीआरएल्स को ज्वाइन करता है यहाँ पे। एंड इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको कोई भी फॉग लैम्प्स ऑन ऑफर नहीं है, ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल फ्रंट एंड। जो फ्रंट का बम्पर है आपको ब्लैक फिनिश में ही मिलता है जो कि ऐसी कुछ डिज़ाइन के साथ आता है। दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द फ्रंट। चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल, तो आपको यहाँ पे मिलते हैं 16 इंच के स्टील व्हील्स विद व्हील कवर्स। जो इनका टायर प्रोफाइल है दैट इज 195/60R16s एंड आपको व्हील कवर भी इस वेरिएंट में ऑन ऑफर मिल जाते हैं। ORVMs आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं, आपको ORVM पे टर्न इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं जो ORVM आपको ब्लैक कलर में मिलते हैं। डोर हैंडल्स अगेन थोड़ा ब्लैक कलर में मिलते हैं जो कि आपको मैट फिनिश में ही मिलते हैं। कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे नहीं है, आपको की इंसर्ट करके एंट्री ले सकते हैं, उसके लिए ऑप्शन है यहाँ पे। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल। साइड में आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग भी मिल जाती है अक्रॉस द डोर्स एंड आपको इस वेरिएंट में रूफ रेल्स भी मिल जाती है, प्लस यू ऑल्सो गेट शार्क फिन एंटीना विच बोथ आर गुड फीचर्स अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस पॉइंट। आगे डिस्क ब्रेक्स है एंड पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलती है नॉर्मल वाली। बात करते हैं अबाउट द रियर एंड ऑफ द कार, तो रियर में आपको एलईडी टेल लैंप्स मिल जाते हैं यहाँ इतना पोर्शन में एंड आपको कनेक्टेड सेटअप मिल जाता है यहाँ पे। दीज आर नॉट एक्चुअल एलईडीज, यहाँ पे सिर्फ रेड पोर्शन मिलता है, जो एक्चुअल एलईडीज है वो सिर्फ इतने पार्ट में ही मिलते हैं आपको। टाटा का लोगो है पीछे, नेक्सॉन की बैजिंग मिल जाती है, दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है, अगर आप रिवर्स लाइट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हेलोजन लाइट ब्लिंकअप हो जाती है। दिस इज़ हाउ द रियर एंड ऑफ द कार लुक्स। बात करते हैं बूट की, तो बूट एक्सेस करने के लिए एज सच आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे प्लेस नहीं किया जाता है। बूट एक्सेस करने का एक तरीका है कि आप इंटीरियर से जो आपको बटन मिलता है वो आप प्रेस कर सकते हैं। द अदर ऑप्शन इज़ कि आपको की पे बेसिकली तीन बटन्स ऑन ऑफर है, लेट मी शो यू, टू लॉक, टू अनलॉक एंड आपको फॉलो मी होम हेडलैम्प लाइट का फंक्शन मिल जाता है। अगर आप बीच वाले बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हैं तो बूट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। एज यू कैन सी हियर, जो बूट स्पेस है ओवरऑल आपको इतना कुछ मिल जाता है। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में ऑन ऑफर नहीं है एंड आपको कोई भी हेलोजन बूट लैम्प भी इस वेरिएंट में ऑन ऑफर नहीं है, लेकिन आपको हुक्स यहाँ पे मिल जाते हैं। पीछे की सीट 60-40 स्प्लिट में नहीं आती है, बेंच टाइप में ही है। सो ये था एवरीथिंग अबाउट द एक्सटीरियर, चलते हैं अब टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द कार। अब हम बात करते हैं कार के इंटीरियर के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्राइवर साइड डोर है यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। जो इंटीरियर डोर हैंडल है आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिल जाता है एंड सेम फिनिश आपको यहाँ पे भी रन अक्रॉस करते हुए मिलेगी। यहाँ पे वाइट फिनिश है एंड ओवरऑल हार्ड प्लास्टिक फिनिश ही है डोर पे। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे की जाती है, ओवरऑल 4 स्पीकर सिस्टम आपको मिल जाता है प्योर वेरिएंट में। यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, एज सच उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। की इंसर्ट करनी पड़ती है आपको मैन्युअली, जो कि आप यहाँ कर सकते हैं। बात करते हैं की, तो आपको 3 बटन्स ऑन ऑफर है, लॉक, अनलॉक एंड आपको बीच में मिलता है फॉलो मी होम हेडलाइट फंक्शन को ऑन करने के लिए। इससे आप बूट भी एक्सेस करते हैं जैसा ही आई शोड यू इन द एक्सटीरियर। बात करते हैं फ्रंट सीट्स की, तो फ्रंट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। जो सीट्स है वो आपको मिलती है फुल्ली फैब्रिक फिनिश में जो कि है ब्लैक कलर में, ऐसी कुछ लगती है इसकी फ्रंट सीट्स। ड्राइवर सीट आपको मैन्युअली एडजस्टेबल हाइट के लिए नहीं मिलती है, इट इज़ ओनली एडजस्टेबल मैन्युअली फॉर रिक्लाइन एंड फॉर रीच, हाइट एडजस्टमेंट मिस आउट करती है। तीनों पेडल्स यहाँ पे मिल जाते हैं एज यू कैन सी हियर बिकॉज दिस इज द मैनुअल वेरिएंट। चलते हैं अब टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू।
अब हम बात करते हैं कार के इंटीरियर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टीयरिंग व्हील है आपको एब्सोल्युटली नया डिज़ाइन लैंग्वेज मिल जाता है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है टू स्पोक का, बीच में आपको टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको म्यूजिक वॉइस कमांड रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसमें वॉइस कमांड मिल जाता है आपको मीडिया एंड ऑडियो के लिए, यहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टॉगल कर सकते हैं। तो आपको दोनों साइड पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं स्टीयरिंग माउंटेड। जो स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट आपको टिल्ट वे मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स है, राइट हैंड साइड पे आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको बीच में डिजिटल MID मिल जाती है। राइट हैंड साइड पे आपको कूलेंट टेम्परेचर एंड फ्यूल मीटर शोकेस करता है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपको टैकोमीटर मिलता है। यहाँ पे सारी वार्निंग सिग्नल्स भी प्लेस की जाती है। सेंटर में आपको डिजिटल स्पीडोमीटर है, टाइम शोकेस करता है, कौन से मोड में है आप वो शोकेस करता है। ओडोमीटर है, डिस्टेंस टू MT, एंड अगर आप इसे टॉगल करते हैं तो इट शोज़ यू ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज एंड सब कुछ इन्फॉर्मेशन शोकेस कर देता है। इन्फोटेनमेंट सिस्टम में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन बेस्ड इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। हार्मन पावर्ड ओवरऑल 4 स्पीकर मिल जाते हैं। आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी भी इसमें मिल जाती है। जो IRVM है वो एडजस्टेबल नहीं है, इट इज़ नॉट डे नाइट। प्योर एस में आप अपग्रेड करते हो तो आपको यहाँ पे एंटी ग्लेयर IRVM मिल जाता है एंड वॉइस असिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिल जाता है। यहाँ पे अगेन आपको LED केबिन लाइट्स मिल जाती है, विच इज़ अगेन वेरी गुड फीचर। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको फुल्ली टच बेस्ड कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं प्योर वेरिएंट में। यहाँ पे हैजार्ड लाइट का बटन है, यहाँ से आप बूट अनलॉक कर सकते हैं। एज आई मेंशनड आपको ये वाला टच बेस्ड बटन मिल जाता है कार को अनलॉक लॉक करने के लिए। यहाँ पे सब AC रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, यहाँ से फैन स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर टॉगल अप कर सकते हैं। मैनुअल गेयरबॉक्स है। चार्जिंग सॉकेट्स में आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है एंड USB मिल जाता है। यहाँ पे 3 मोड्स है आपको, सिटी, इको एंड स्पोर्ट, तीनों के आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। मैनुअल हैंड ब्रेक है, यहाँ पे स्पेस मिल जाती है अच्छी खासी, लेकिन ड्राइवर आर्मरेस्ट मिसिंग है। जो ग्लव बॉक्स है वो आपको बहुत अच्छा मिल जाता है साइज़ में, विच इज़ लार्ज इनफ, सो दैट इज़ अगेन वेरी गुड। ओवरऑल हार्ड प्लास्टिक फिनिश है डैशबोर्ड पे, लेकिन आपको ब्लैक एंड वाइट फिनिश मिल जाता है, ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल इंटीरियर। ऑन द स्क्रीन यू कैन नाउ सी सेफ्टी फीचर्स जो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं कार के सेकेंड रो में। अब हम बात करते हैं कार के सेकेंड रो के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डोर है यहाँ पे अगेन आपको पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे की जाती है, अगेन ग्लॉस ब्लैक फिनिश है यहाँ पे एंड डोर हैंडल पे लॉक अनलॉक का बटन भी यहीं पे मिल जाता है। जो सीट्स है अगेन सेम फैब्रिक फिनिश में ही आती है जो हमने देखा ब्लैक फिनिश में। ओवरऑल पीछे की तरफ आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, आइसोफिक्स स्टाइल माउंट्स भी एंड आपको 3-पॉइंट सीट बेल्ट्स भी मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। ऑल्सो आपको प्योर वेरिएंट में रियर AC वेंट्स भी मिल जाते हैं एज यू कैन सी हियर। चलते हैं अब टुवर्ड्स द इंटीरियर, बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट कैसा है सेकेंड रो में। माय हाइट इज 6 फीट 2 इंचेस, फ्रंट की ड्राइवर सीट मेरे हाइट से एडजस्टेड है। एज यू कैन सी जो नी रूम और लेग रूम है वो डिसेंट इनफ बच जाता है टॉल हाइटेड पैसेंजर्स के लिए। अगर दोनों टॉल हाइटेड पैसेंजर बैठेंगे तो पीछे हल्का कंजस्टेड हो जाएगा। थाई सपोर्ट इज स्टिल डिसेंट इनफ, ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल डैशबोर्ड सेकेंड रो से। ग्रैब हैंडल आपको लेफ्ट हैंड साइड पे अवेलेबल है अलॉन्ग विद अ कोट हुक एंड आपको ग्रैब हैंडल अलॉन्ग विद अ कोट हुक यहाँ पे भी मिल जाता है। जो सीट बेल्ट है फ्रंट के वो आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ भी आ जाते हैं एज यू कैन सी हियर एंड यहाँ पे भी कोट हुक एडिशनल मिल जाता है। को ड्राइवर भी सीट बेल्ट आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ आता है। एयरबैग की बैजिंग की जाती है। सीट्स जो है 60-40 स्प्लिट में नहीं आते हैं एंड आपको सेंटर आर्मरेस्ट भी नहीं मिलता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। सो ये था ब्रीफ अबाउट द सेकेंड रो जो फीचर्स ऑन ऑफर है। दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट द सेकेंड रो। सो ये था टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के प्योर वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। सो एज आई मेंशनड अर्लियर ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको दोनों इंजन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है अलॉन्ग विद ओनली मैनुअल ट्रांसमिशन। सो जो पेट्रोल की एक्सशोरूम प्राइस है दैट इज करंट प्राइसिंग, इट इज एट ₹9,70,000 एक्सशोरूम इंडिया। अगर आप डीजल में अपग्रेड करते हैं जो आज हमने देखा दैट वुड कॉस्ट यू 11 लाख एक्सशोरूम इंडिया। डीजल की ऑन रोड प्राइस वुड कॉस्ट यू अराउंड 13 लाख ऑन रोड सूरत। डिपेंडिंग आप कौन सिटी एंड स्टेट में रहते हैं वेरी कर सकती है ऑन रोड प्राइस, बट दिस इज द एक्चुअल प्राइस जो आपको अभी करंट में प्योर वेरिएंट पड़ जाएगा। कमेंट ऑन योर थॉट्स, आपको ये वेरिएंट कैसा लगा, व्हाट वाज योर फेवरेट फीचर एंड आपको ये पर्टिकुलर कलर ऑप्शन कैसा लगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।